यहाँ पे है मंडे मॉर्निंग और ये ब्रेकफास्ट में बन रहा है हाफ फ्राई एग और रात की लेफ्ट ओवर रोटी है, तो उसके साथ ही हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और अब मैंने इसमें हाफ फ्राई एग बना दिया है। तो बेसिकली आज का ये व्लॉग है, तो मैं थोड़ा सा रूटीन शेयर करूँगी, जैसे कि मतलब आफ्टरनून में क्या बनता है, इवनिंग में क्या बनता है, और उसके बाद जो भी ऑल जैसे हाउस वाइफ के जो भी काम रहते हैं वो, और कुछ नहीं तो यहाँ पे ये हाफ फ्राई एग बन रहा था मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए। तो फिर उसके बाद हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया, और उसके पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में ना हम लोग ने वो साबुदाना खिचड़ी आता है वो सब खाया। देन फिर मैंने प्रिपरेशन किया चिकन टिक्का ग्रेवी। तो नॉर्मली चिकन टिक्का ग्रेवी में बोनलेस चिकन डलता है, बट हमारे यहाँ आधा फैमिली चिकन बोनलेस खाता है और आधा चिकन विद हड्डी वाला खाता है। तो यहाँ पे अब ये बन रही है इवनिंग की चाय, क्योंकि बीच में हम लोग का जो आफ्टरनून का लंच रहता है वो ज़्यादातर जो रात का खाना रहता है वही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये इवनिंग की चाय पीने के बाद अब मैं प्रिपरेशन करूँगी चिकन टिक्का बिरयानी की। तो उसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आज मैं 10 दिन बाद वीडियो एडिट कर रही हूँ। हेक्टिक शेड्यूल, फिर थोड़ा सा मैंने तबीयत भी ठीक नहीं था और ये नाक टुचाया, तो उस वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 से 4 बड़े कांदे को पतला पतला स्लाइस करके ले लिया है, और फिर यहाँ पे आधा बोन विथ चिकन है आधा बोनलेस चिकन है, तो उसको मैं अच्छे से मैरिनेट कर दूँगी। तो मेरा मैरिनेशन ऐसा है कि पहले हम लोग नमक और नींबू का रस अच्छे से लगा के पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे, फिर अच्छे से पानी स्क्वीज़ करके पूरा ये सब मैरिनेशन लगाने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची या होममेड मिर्ची मसाला, धनिया जीरा की बुक्की, गरम मसाला, ये सब ऐड करके अच्छे से मैरिनेट करके, और कुछ रेडीमेड मसाले भी आते हैं, जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा रहेगा उसको पता नहीं रहेगा, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो चिकन टिक्का बिरयानी जो मैंने शेयर की थी। इसमें मैंने सिर्फ चिकन टिक्का ग्रेवी बनाई है। तो ग्रेवी में मैंने नॉर्मल सी प्याज का बरिस्ता बना के उसको ड्राई कर लिया था, फिर उसको सुखा लिया बाहर, 5 मिनट में सूख जाती है, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो हम लोग फिर चिकन को हम लोग फ्राई कर लेंगे, प्याज को हम लोग कुछ मैंने 5-6 काजू बादाम रखा था उसको भिगा के उसके साथ एक पेस्ट बना लेंगे। तो इसका जो मसाला बचता है इसके साथ हम लोग पहले तेल में अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर मैं मेरे मैरिनेशन को तकरीबन 1 घंटा रखूँगी फ्रीज़र में, नीचे वाले जो डोर रहता है उसी में, और साइड बाय साइड इसको हम लोग बाद में फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जो स्टॉक बचता है, जैसे लिक्विड जो भी बचता है, उसी में मैं पूरा बाकी का मैरिनेशन मतलब जो ग्रेवी है उसका प्रोसेस करूँगी। Look at people and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay, I'm a pretty boss with all my shit bright white, I'm a freak in the sheets, I got class, I'ma grab an ass if you want it, best you ever had, and give it to you about, quiet with a big mouth, listen for the doubt, then call it, make you out for what you say to me, look at every single deed, if you go... ज़्यादा चिकन था, तो इसके बाद मैं इसको अच्छे से शैलो फ्राई कर लेना। अगर आप लोग चाहिए तो ये कोयले का स्मोक अभी दे सकते हो फ्राई करने के टाइम पे, बट मैं मतलब जो ग्रेवी बन जाने के बाद ही स्मोक देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ग्रिल कर लिया है, मतलब यहाँ फ्राई कर लिया है, उसके बाद अब मैं बनाऊँगी ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए जो मैंने लेफ़्ट ओवर जो मेरा मसाला था, जो चिकन जिसमें मैंने फ्राई किया था, वो वाले मसाले में मैंने पाव किलो ही दही पकड़ लो, उससे थोड़ा कम दही, और थोड़ा सा जो मेरा होममेड कोकनी मसाला है वो थोड़ा रेड फूड कलर,
और थोड़ा सा धनिया जीरा की भुकी, ये सब स्पाइसेस थोड़ा मैंने ऐड करके उसको अच्छे से एक बैटर बना दिया है। तो ये बैटर जिससे मतलब आपके मसाले के अकॉर्डिंग ही बनता है, जैसे आपकी चिकन जितनी हो। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा दही कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा दही और ऐड कर दिया इसमें। और अब मैं बनाऊँगी लास्ट वाला स्टेप, तो बहुत ही ईजी बन जाता है। बस आपकी जो मसाले का प्रोपोर्शन है वो एकदम परफेक्ट रहना चाहिए। तो मसाला बनाते बनाते मैंने थोड़ा सा पिज्ज़ा भी खाया, और एक में पिज़्ज़ा खाया था तो मुझे याद नहीं है कौन सा फ्लेवर था, बट मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप इसमें ऐड कर दिया है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा था कि रेड चिली पाउडर थोड़ा कम है तो मैंने उसको ऐड कर दिया, और फिर प्याज का बिरिस्ता और थोड़ा सा काजू, या तो फिर आप लोग एलमंड्स का एक प्यूरी बना दीजिए एकदम फाइन एकदम बारीक सी। ये मैंने फ्रीज में रख दी थी प्याज, तो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हो गई थी। तो अब फाइनली जो मैंने लिक्विड बनाया तो उसको मैंने तेल में अच्छे से भून लिया है। अगर आप लोग दही थोड़ा कम कर दे तो टमाटो का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। टमाटो केचप कभी यूज़ नहीं करना, बहुत ही बेकार हो जाता है। फिर मैंने थोड़ा बटर भी ऐड करा है। फिर इसमें पूरा प्यूरी को अच्छे से मिक्स करके, जो मेरी प्याज और काजू की प्यूरी थी उसको अच्छे से मिक्स करके उसका तेल थोड़ा सरफेस पे आते साथ ही मैंने अपना चिकन ऐड कर दिया। चिकन ऐड करके मेरे को जितना कंसिस्टेंसी चाहिए था, थोड़ा सा पानी आप लोग ऐड कर सकते हो, या तो ये भुनने के टाइम पर भी पानी ऐड कर देना, पहले ऐड करो या बाद में ऐड करो, एक ही बनता है। और लास्ट में जब अच्छी सी गाढ़ी कंसिस्टेंसी हो जाएगी उसको हम लोग फ्लेम बंद करके कोयले का स्मोक तभी देंगे। तो यहाँ पे मेरी चिकन टिक्का ग्रेवी रेडी हो चुकी है। तो ये मेरा इवनिंग का लंच, मतलब सॉरी इवनिंग का डिनर था। उसके बाद थोड़ा सा जो भी नॉर्मल हाउसवाइफ का काम रहता है वो मैंने शेयर किया है। Look at people and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss with all my shit bright white. I'm a freak in the sheets, I got class. I'ma grab an ass if you want it, best you ever had, and give it to you fast. Talk about quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single deed of you. तो यहाँ पे फाइनली मैं ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको कैसी वीडियोस चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे अब मेरा लास्ट वाला रूटीन जो रहता है, जो कि है पानी भरना, कपड़े वॉश करना, क्योंकि हमारे यहाँ पे शाम में पानी आता है 6:30 to 9:30। तो ये है मेरे घर न्यू किचन, मतलब मेरी मदर इन लॉ का घर। तो कैसा लगा आप लोगों को किचन? अगर फुल वीडियो टूर चाहिए तो कमेंट में